राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। उनमें से कुछ पहलों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, ई मार्केट प्लेस और आर्थिक अपराधी अधिनियम का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विश्वास किसी भी समाज की नींव होती है, जबकि भ्रष्टाचार समाज में विश्वास को कम करता है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन को असाध्य मान लेना एक निराशावादी दृष्टिकोण है जो उचित नहीं है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है, सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की है, एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत सरकार ने 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपाय किए गए हैं।